हाय स्टूडेंट्स, दिस इज योर ऑनलाइन लेक्चर 8, यूनिट 2। द नेम ऑफ द टॉपिक इज टीथ। बेटा, इस लेक्चर में हमने इस यूनिट की एक्सरसाइज को डिस्कस करना है और वो आपके बुक की पेज नंबर 12 पे है, ठीक है? और इसका पार्ट ए है। कॉलम ए कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ द टर्म्स एंड कॉलम बी कंटेन्स दीज टर्म्स। मैच कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे कॉलम बने हुए आपके दो। इसका जो कॉलम ए के पॉइंट्स हैं उनको हमने कॉलम बी के साथ मैच करना है। ओके, अब जो इसका फर्स्ट पॉइंट है वो है अ पर्सन हु चेक्स एंड लुक्स आफ्टर योर टीथ। अ पर्सन हु चेक्स एंड लुक्स आफ्टर योर टीथ। अब कॉलम बी में पॉइंट्स हैं इंसाइजर, मोलर्स, डेंटिस्ट, केनाइन, डिके एंड प्लाक। और आपका फर्स्ट पॉइंट मैच होगा सी के साथ, दैट इज डेंटिस्ट, मतलब कि वो इंसान जिसके पास हम अपने दांतों की प्रॉब्लम्स को लेके जाते हैं उस डॉक्टर को हम डेंटिस्ट कहते हैं, राइट? सेकंड पॉइंट है रॉटिंग ऑफ द टूथ। अब ये देखते हैं ये आपके कॉलम बी में किसके साथ मैच होगा। ये आपका मैच होगा ई के साथ, दैट इज डिके, ठीक है? अब आपका थर्ड पॉइंट है टूथ यूज फॉर राइपिंग। टूथ यूज फॉर राइपिंग, ये पॉइंट आपका मैच होगा कॉलम बी में डी के साथ, डेट इज के नाइन, राइट? फोर्थ तो बेटा बहुत ही आसान है और वो है थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स। और हमें पता है कि जो थिन स्टिकी लेयर ऑफ जर्म्स है उसको हम कहते हैं प्लैक। प्लाक भी कहते हैं और प्लैक भी कहते हैं, ये मैंने आपको लेक्चर में बताया था। और ये आपका मैच होगा एफ के साथ। आपका फिफ्थ पॉइंट है टूथ यूज फॉर कटिंग, ये आपका मैच होगा ए के साथ, दैट इज इंसाइजर। आपका जो लास्ट वाला सिक्स पॉइंट है वो है वाइडेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट टीथ, और ये आपका मैच होगा बी के साथ, डेट इज मोलर। ओके, नेक्स्ट अब है पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन है What are a child's first set of teeth called? और इसका आंसर है A child's first set of teeth are called milk teeth or baby teeth. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, A child's first set of teeth are called milk teeth or baby teeth. Okay? Next question है How and why do teeth decay? And the answer is teeth decay if they are not brushed regularly. मतलब इसका मतलब यह है बेटा कि अगर हम डेली बेसिस पे अपने दांतों को ब्रश नहीं करेंगे तो हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। वही वाली बात मैं यहां पे फिर रिपीट कर रही हूं कि जो हम फूड खाते हैं उसके जो लेफ्ट ओवर पार्ट हमारे मुंह में सलाइवा के साथ मिक्स होगा
अगर हम उसे डेली बेसिस पर ब्रश नहीं करेंगे, और तो वो जो माउथ में बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, अगर वो कंटिन्यूसली हमारे माउथ में रहे तो वहाँ से एक थिन सी स्टिकी लेयर बन जाती है जिसको हम प्लैक कहते हैं। उसको रिमूव करने के लिए हमें डेली बेसिस पे ब्रश करना होता है ताकि हमारे दांत खराब ना हो जाए। ठीक है, याद है ना मैंने आपको बताया था लेक्चर में? गुड जॉब जी बेटा। नेक्स्ट है, विश टीथ आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। विश टीथ आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड एंड द आंसर इज मोलर्स। एक्सीलेंट। मोलर्स और द बैक टीथ आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। मोलर्स और द बैक टीथ आर यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड। ओके, अब जो आपका पार्ट सी है ये आपकी डायग्राम है बेटा। लेबर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टीथ इन द पिक्चर बिलो। इस डायग्राम को आपने लेबल करना है और ये आपकी बुक की पेज नंबर 10 पर है। रिवाइज दिस लेक्चर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर।